हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर के दवंड किचन में। एक बार फिर से एक नई रेसिपी के साथ आज बनाएंगे आलू मटर की चटपटी मसालेदार सब्जी। आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए ये मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। ये मैंने आधी कटोरी मटर ली है और ये दो मीडियम साइज के आलू। आलू को इस तरीके से पीसेस में काट लेंगे। आलू मैंने काट लिए हैं। ये मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली है और मैंने इसे बारीक बारीक काट लिया है। और इसमें ये मैंने कुछ सूखे मसाले लिए हैं। इसमें एक बड़ी चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच धनिया, आधा छोटी चम्मच हल्दी, आधा छोटी चम्मच मैंने इसमें नमक लिया है और ये आधा छोटी चम्मच जीरा, एक बड़ी चम्मच लिया है मैंने ये किचन किंग मसाला। आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए ये मैंने मीडियम साइज के दो टमाटर लिए हैं। मैंने इसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट दिया है और ये 6-7 लहसुन की कलियाँ, 3-4 हरी मिर्च और ये 2 अदरक के टुकड़े लिए हैं। सारी चीज़ों को मिक्स के जार में डाल के पीस लेंगे। मिक्सी के जार में मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च टमाटर का पेस्ट बना लिया है। पैन को मैंने मीडियम आंच पे गरम कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे मीडियम आंच पे। सरसों का तेल मीडियम आंच पे अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें ये जीरा डालेंगे। जीरा अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें ये हींग डाल देंगे 2 चुटकी और साथ में ये कटी हुई प्याज भी डाल देंगे। प्याज को मीडियम आंच पे ब्राउन कर लेंगे। प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई है। अब ये मैंने आलू को अच्छे से धो लिया था। अब आलू को भी प्याज के साथ में डाल देंगे और हल्का सा आलू को फ्राई कर लेंगे। प्याज के साथ में आलू भी हल्के से फ्राई हो गए हैं। अब ये लहसुन अदरक और टमाटर का पेस्ट आलू के साथ में डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब साथ में डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च और ये धनिया, हल्दी और ये साथ में डाल देंगे किचन किंग मसाला। ये साथ में मटर भी डाल देंगे। मटर को मैंने अच्छे से धो के रखा हुआ था। मटर को भी मसाले में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ये डाल देंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार रख लें। नमक को भी मिक्स कर लेंगे। आंच को अब बिल्कुल हल्का कर देंगे। मिनट के लिए ढक्कन को ढक देंगे और बीच बीच में सब्जी को चलाते रहेंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है। आलू भी गल गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 मिनट के लिए गैस को मीडियम कर दें। सब्जी को मीडियम आंच पे 2 मिनट के लिए पका लेंगे ढक के। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे। सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसमें हरे धनिए की पत्ती डालेंगे। गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया सा सब्जी में कलर आया है। कितने अच्छे से सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप इसे मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बनी है। आपको मेरी आलू मटर की रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको आलू मटर की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली नई वीडियो में।